वेलकम और स्वागत है दोस्तों आज के एक और शानदार वीडियो में। और आज का जो YouTube का जो अपडेट है YTO स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर, उसे देखने के बाद आपको समझने के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि मुझे या आपको YouTube पे ग्रो होने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज की अपडेट ही कुछ ऐसा है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा आज का अपडेट जानने के बाद। वैसे मैं बता दूं, डे बाई डे या हर दिन या कहूँ तो एक मंथ के अंदर में बहुत सारे अपडेट आए हैं YTO एप्लीकेशन के अंदर में, लेकिन इस बार जो आज का जो अपडेट है YTO स्टूडियो के अंदर में, ये तो बिल्कुल ही कमाल की है। इसे देखने के बाद ये तो पता चल जा रहा है कि भाई अगर आपको अपने YouTube पे ग्रो होना है तो आपको भी कुछ इस तरह से काम करने पड़ेंगे जो लोगों को देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले इस तरह से आइकन या जो भी आपको डाटा दिखता था, उसे देखने के बाद आप तो कंफर्म हो जा रहे थे कि भाई मुझे व्यू कितना आ रहा है, अर्निंग कितना हो रही, वॉच टाइम क्या है, सब कुछ आपको पता चल जा रहा था। लेकिन आज की अपडेट के बाद मैं बता दूं कि पता तो चलेगा, आपका डाटा तो आपको दिखेगा, लेकिन आपको इतने खूबसूरत दिखेगा, इतना अच्छा से दिखेगा, जो शायद ये YouTube खुद भी कह रहा है कि भाई हर एक क्रिएटर को ऐसे कुछ अपने वीडियो के अंदर में और अपने थंबनेल के ऊपर में करना चाहिए जिससे लोगों को देखने में अच्छा लगे। मतलब फाइनली ये कि इम्प्रूव किया है आज के अपडेट में यही सब चीज़ और यही फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो इस बार इस वीडियो को ध्यान से देखो, मतलब कि ये कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है मेहताब और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैलेंज यूट्यूब चैनल। दोस्तों ऐसे ही वीडियो और इससे भी अच्छे वीडियो मैं देने की कोशिश करता हूँ डेली, हर दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगी और मिलते रहती भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो है आप मिस नहीं कर पाएँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, पहले के कुछ डाटा ऐसे थे YTO एप्लीकेशन यानी कि YTO स्टूडियो के अंदर में, जो हमें समझ में आ रहा था कि हमारा डेली का व्यूज़ या हमारा सब्सक्राइबर्स या हमारा अर्निंग 28 डेज का क्या है, एनालिटिक्स में यहाँ पे सब कुछ आपको दिखता था। लेकिन मैं आपको बता दूँ आज के अपडेट के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगा जो देखने के लिए अच्छा भी है। इस तरह से कुछ लोगों यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब आइकन दिख रहा है यहाँ पे। और इससे एक चीज़ तो और कन्फर्म हो जा रहा है कि जिन लोगों को यहाँ पे इंप्रेशन देखने के बाद ये नहीं पता चलता था कि मेरा यूट्यूब चैनल की इंप्रेशन सही है या गलत है, तो यहाँ पे इस आइकन को देखने के बाद ये तो कंफर्म आप समझ लीजिए कि अगर आपका इस तरह से ग्रीन 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 दिख रहा है और इस तरह से अगर आपको भी आइकन शो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो समझ लीजिए कि आप जो है सही तरीके से अपने YouTube चैनल पे काम कर रहे हो और ऐसे ही काम करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसमें और भी कुछ इम्प्रूव करो जो लोगों को देखने के लिए, लोगों को समझने के लिए और अच्छा हो। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा यहाँ पे जो पब्लिश होने की, यहाँ पे जो लाइक किया और कुछ यहाँ पे देख रहे हो डार्क हो गया है, मतलब फाइनली क्या कि लोगों को ईजी समझ में आए, आपको देखने के बाद में तुरंत ही ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये कि अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप वीडियो बनाते हो, तो भाई थंबनेल भी कुछ ऐसे ही बनाना कि आदमी को देखने के बाद समझ में आ जाए और आदमी क्लिक भी करे। मतलब फाइनली जो पहले था वो भी सही था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। अब दूसरी बात एक और कि अगर आपके मोबाइल के अंदर, मतलब आपके YTO स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर में ये सारे फीचर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है प्ले स्टोर पर जाइए, उसे अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारे फीचर आपके भी मोबाइल पे दिखने लगेगा। दूसरा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वीडियो के अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ YTO स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर में आके समझ सकते हो। कैसे? अगर आपके काम करने का तरीका सही नहीं है तो आपको इससे बिल्कुल पता चल जाने वाला है। वो कैसे? क्योंकि ये ग्रीन मार्क ऊपर नहीं रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा, डाउन रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा इंप्रेशन भी ख़राब है, व्यूज़ भी सही नहीं है, सब्सक्राइबर भी सही ग्रो नहीं हो रहे, सब कुछ मेरा बैड है। तो आपको उसके ऊपर और भी हार्ड वर्क और भी स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि आज की जो अपडेट है कुछ अलग ही था और मुझे ऐसा लगता है कि YouTube जो है अभी डे बाई डे कुछ ना कुछ चेंजिंग कर रहा है, जिसमें लोगों को समझने के लिए या यूँ कहें तो कुछ बेटर होने के लिए या प्रोफेशनल दिखने के लिए ये सारे अपडेट हो रहा है। तो आपको भी अपने वीडियो के अंदर में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आज के वीडियो में ये सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ईमानदारी से लाइक ठोक दो, चैनल पर पहली बार हो तो अगेन आई रिपीट कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।